नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 7 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी की 67वीं पीटी परीक्षा से पहले इन बातों का रखे ध्यान। अब सभी रोगों और स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी होगी एक ही जगह। बिहार के सभी पर्यटन स्थलों पर बनेंगे सेल्फी पॉइंट। बिहार में तय समय पर नगर निकाय चुनाव संभव नहीं। इस समय तक शुरू होगी पूर्णिया में हवाई यात्रा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी की 67वीं पीटी परीक्षा से पहले इन बातों का रखे ध्यान। बीपीएससी की 67वीं पीटी परीक्षा का आयोजन होने वाला है। हालांकि परीक्षा से पहले ही सभी छात्रों को परीक्षा प्रारंभ होने से पहले जरूरी दिशा निर्देश साझा कर दिए गए हैं, जिसका पालन सभी अभ्यर्थियों को करना होगा। बीपीएससी की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि सामग्री और अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण नहीं लेकर जा सकेंगे। ऐसा करने पर कार्रवाई तय है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे मुश्ताक अहमद नूरी की। मुश्ताक अहमद नूरी का जन्म 7 मई 1950 को उर्दू साहित्य की दुनिया में एक प्रसिद्ध लघु कथा और आलोचक लेखक के रूप में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में हुआ था। उनकी रचनाओं में 3 लघु कहानी संग्रह शामिल है। उनका जन्म 1950 में भारतीय राज्य बिहार में पुराने पूर्णिया जिले में हुआ था। उनका जन्म पूर्णिया जिले, जो कि अब अररिया में है, उसमें पोठिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो मेधावी छात्र थे। नूरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल और मदरसे से और माध्यमिक शिक्षा आजाद अकेडमी अररिया से पूरी की। उन्होंने 1971 में भागलपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बीएड 1975 में पटना विश्वविद्यालय से और एमएड 1977 में पटना विश्वविद्यालय से पूरा करते देखे गए थे। बिहार के सभी पर्यटन स्थलों पर बनेंगे सेल्फी प्वाइंट। आने वाले समय में बिहार के सभी पर्यटन स्थलों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए जाएंगे, ताकि वहां आने वाले पर्यटक तस्वीरें खींचकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित और प्रचारित कर सके। इसको लेकर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इसी में ही इस बाबत निर्णय लिया गया है। इस दौरान ही मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि देश विदेश के पर्यटक सेल्फी को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो बिहार के पर्यटन केंद्रों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी। उन्होंने बिहार पर्यटन की वेबसाइट को अपडेट करने और उसमें पर्यटन केंद्रों की विस्तृत सूचना और तस्वीरें अपलोड करने को कहा है, ताकि पर्यटक बिहार आने से पहले विस्तृत जानकारी ले सके। सीमा सड़क संगठन ने निकाली रिक्तियां। सीमा सड़क संगठन ने ड्राफ्ट्समैन, स्टेनो, एलडीसी, एसकेटी ऑपरेटर कम्युनिकेशन, सुपरवाइजर सिफर, एमएसडब्ल्यू नर्सिंग असिस्टेंट, डीवीआर एमटी ओजी व्हीकल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, एमएसडब्ल्यू मेसन, एमएसडब्ल्यू ब्लैकस्मिथ, कुक, वेटर, पेंटर के कुल मिलाकर 129 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं पास या 10+2 और प्रासंगिक ट्रेड में आईटीआई, 10+2 हिंदी और अंग्रेजी या स्नातक या एएनएम या समकक्ष में टाइपिंग और स्टेनोग्राफी ज्ञान के साथ ही डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bro.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिए गए URL से ले सकते हैं। बिहार में अगले 3 दिनों तक आंधी पानी को लेकर अलर्ट। बिहार में भीषण गर्मी की मार के बीच लोगों को बारिश ने थोड़ी राहत जरूर दी है। हालांकि लोगों को यही लग रहा था कि अब गर्मी की मार एक बार फिर से देखने को मिलने वाली है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने राहत के संकेत दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 18 जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 48 से 72 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग में गरज के साथ बारिश के आसार है। जिन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, उत्तर पूर्व जिले के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और उत्तर पश्चिम जिले के पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज का नाम शामिल है।
बिहार में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन का हुआ शिलान्यास। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन का शिलान्यास बीते दिन कर दिया गया है, जो कि खुद सीएम नीतीश ने किया। इस दौरान ही सीएम नीतीश ने कहा कि प्रदेश के युवाओं का कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में आकर्षण काफी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार भी उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कृषि शिक्षा पर काफी जोर दे रही है। पटना स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय के कैंपस में शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि 5 साल पहले बिहार में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1928 में पटना वेटरनरी कॉलेज की स्थापना की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपने प्रयासों के साथ ही इसके फायदों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी आदि भी शामिल रहे। अब सभी रोगों और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी होगी एक ही जगह। बिहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियों की पहचान जल्द ही की जाएगी, साथ ही इसके प्रसार को तुरंत ही रोका जा सके, इसमें भी अब आसानी होने वाली है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों की एकीकृत निगरानी को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अब पोर्टल जारी किया है, जिस पर सभी जिलों से रोगों की पहचान, जांच और इलाज से संबंधित सभी सूचनाएं अपलोड की जाएगी। इससे राज्य स्तर पर सभी जिलों में संचालित स्वास्थ्य योजनाएं और स्वास्थ्य प्रबंधन की बेहतर तरीके से निगरानी की जा सकेगी। डिजिटल हेल्थ मिशन के क्रियान्वयन पर 5 साल में 300 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसी मिशन के तहत स्वास्थ्य से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग के तौर तरीकों में भी परिवर्तन लाया जा सकेगा। बिहार के बलिदानियों की याद में बनेगा उनके गांव में अमृत सरोवर। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना पर बिहार में पहल तेज हो गई है। इसके तहत ही राज्य सरकार के स्तर से प्रत्येक जिले में 75-75 तालाब को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। बीते दिन साझा की गई जानकारी के अनुसार पहले चरण में केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग ने 5 बलिदानियों के गांव को चिन्हित किया है, जहां एक एक एकड़ में तालाब बनाए जाएंगे। चरणवार प्रदेश में 2,850 तालाब विकसित किए जाएंगे। तालाबों के किनारे पौधारोपण होगा और हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाएगा। इस दौरान बलिदानियों के स्वजनों को सम्मान के साथ भी बुलाया जाएगा। बिल्डरों के खिलाफ करें ऑनलाइन शिकायत। बिहार में समय के साथ ही फ्लैट खरीदने का चलन बढ़ गया है, यानी कि अब लोग अपनी जमीन खरीदने के बजाय फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके कारण रियल एस्टेट का बाजार भी तेजी से बढ़ा है। हालांकि इसकी शिकायतें भी कई आती हैं, जिसका प्रोसेस बहुत ही लंबा है, लेकिन अब आपके पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का विकल्प होने वाला है, क्योंकि अब बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उपभोक्ताओं से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने को कहा है। इस बाबत रेरा ने नोटिस जारी कर कहा कि किसी भी तरह की ऑनलाइन की जाने वाली शिकायत पर ही संस्थान सुनवाई कर उसका निपटारा करेगा। इसके लिए आप rerabihar.gov.in पर लॉगिन कर शिकायत कर सकते हैं। ध्यान रहे, अब से ऑफलाइन शिकायत नहीं ली जाएगी। बिहार में तय समय पर नगर निकाय चुनाव संभव नहीं। बिहार में पिछले दिनों निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई थी, जिसके बाद से वार्ड में लोग चुनाव की तैयारियों में जुट गए थे। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो नगर निकाय चुनाव में अभी भी देर होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बता दें कि वर्तमान में जारी निकाय 9 जून के बाद उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इसके बाद निकाय प्रतिनिधियों की शक्ति अब अधिकारियों के पास आने वाली है। ऐसे में अगर नगर निकाय में कोई कार्य होता है तो ये अधिकारियों की देखरेख में होगा। वर्तमान की स्थिति की अगर हम बात करें तो फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। बता दें कि प्रदेश में वार्डों का गठन होना है। सही समय पर वार्डों का गठन अगर नहीं होता है तो निकाय चुनाव होने में देरी हो सकती है। बता दें कि इन सभी वार्डों का गठन 30 मई तक पूरी होने की बात कही गई है। वैशाली के राजा विशाल का गढ़ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। प्राचीन समय में राजा विशाल का गढ़ रहा ये स्थान आज वास्तव में एक छोटा टीला है, जिसकी परिधि 1 किलोमीटर के आसपास है। दुनिया का पहला गणराज्य कहे जाने वाले वैशाली का इसे प्राचीनतम संसद समझा जाता है। इसके चारों तरफ 2 मीटर ऊंची दीवार है और 43 मीटर चौड़ी खाई है। इस संसद में 7,777 संघीय सदस्य इकट्ठा होकर समस्याओं को सुनते थे और उस पर बहस भी किया करते थे। ये भवन आज भी पर्यटकों को भारत के लोकतांत्रिक प्रथा की याद दिलाता है। बागवानी के लिए पॉली हाउस लगाने पर 75% अनुदान दे रही है बिहार सरकार। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। जो भी किसान बिहार में बागवानी करने वाले हैं, उन्हें बिहार की नीतीश सरकार 75% अनुदान देने वाली है, जो कि किसानों के लिए एक बेहतर मौका साबित होने वाला है।
जिसका फायदा उठाकर बिहार के किसान बागवानी का ढांचा विकसित कर सकते हैं, जो लंबे समय तक उनकी बागवानी फसलों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होगा और उससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बिहार के बागवानी किसान पॉली हाउस और शेड नेट लगाने पर सरकार से 75% तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। असल में बिहार के किसान 1000 से 4000 मीटर तक का पॉली हाउस और शेड नेट लगा सकते हैं। भारत में सुधरा प्रजनन दर, लेकिन बिहार में नहीं बदली स्थिति। जनसंख्या नियंत्रण मामले में देश ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पांचवें दौर के साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.2 से गिरकर 2.0 हो गई है, जो जनसंख्या नियंत्रण उपायों की महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। यानी देश में प्रति दंपति औसत शिशु 2 के आंकड़ों को छू रही है। हालांकि बिहार अभी भी देश में सबसे ज्यादा प्रजनन दर वाले राज्यों में शुमार है। देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक प्रजनन दर वाले राज्य में बिहार टॉप पर है। इस समय तक शुरू होगी पूर्णिया में हवाई यात्रा। बिहार के इस जिले में शुरू होने वाली है हवाई सेवा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अगले साल यानी कि साल 2023 तक पूर्णिया से हवाई सेवा की शुरुआत होने के पूरे आसार जताए गए हैं। पूर्णिया से हवाई सेवा की शुरुआत को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के प्रतिनिधि केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री से मुलाकात करते देखे गए, जिसमें मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिलाध्यक्ष सह प्रमंडल प्रभारी अविनाश कुमार मिश्र ने नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की बात भी कही। तो वहीं ये भी बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया और जमीन पर इसको लेकर काम चल रहा है। राज्य के 90% अंचलों में जमाबंदी में मिली गड़बड़ी। बिहार के 90% अंचलों में जमाबंदी मामले के निपटारे में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके तहत ही कहीं आवेदनों के निष्पादन में समय का ख्याल नहीं रखा गया तो कहीं पर कारण ना बताते हुए इसे रद्द कर दिया गया है और ना ही उसका निष्पादन किया गया, जिसके कारण संचिका किसी ना किसी स्तर पर लंबित है। म्यूटेशन रसीद में गड़बड़ी के सबसे अधिक मामले पाए गए हैं। मुख्य सचिव के निर्देश पर बिहार के सभी 534 अंचलों में एक साथ जांच की गई तो राजस्व विभाग की लेट लतीफी का मामला उजागर हुआ है। सभी जगहों से रिपोर्ट अभी मुख्यालय को मिली भी नहीं है। पटना हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज। बीते दिन जजों की कमी से जूझ रहे पटना हाईकोर्ट को 7 नए जज मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पटना हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति हेतु न्यायिक पदाधिकारी कोटे से 7 नामों की अनुशंसा की है। इसमें न्यायिक पदाधिकारी कोटे से शैलेंद्र सिंह, अरुण कुमार झा, जितेंद्र कुमार, सुनील दत्त मिश्रा, चंद्र प्रकाश सिंह और चंद्रशेखर झा के नाम शामिल है, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी। पटना हाईकोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत पद 53 है, जिसमें से केवल 27 जज ही कार्यरत है। सीएम नीतीश के सामने खुली अपनी ही योजनाओं की पोल। नीतीश कुमार भले ही छात्रों के हित में कई सारी योजनाएं लाते रहे हो, लेकिन इस योजना की जमीनी सच्चाई क्या है, इससे खुद भी सीएम नीतीश वाकिफ नहीं होते हैं। हालांकि बीते दिन इसकी पोल नीतीश कुमार के सामने ही खुल गई, जब सीएम नीतीश एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और उन्होंने छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि को लेकर चर्चा की, जिस पर छात्रों ने नीतीश कुमार के सामने ही बता दिया कि इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद नीतीश कुमार भी अचरज में पड़ गए। सीएम नीतीश के सामने ही छात्रों ने कहा कि हमें किताब लेने के लिए 6000 रुपए तक नहीं मिले हैं। ये सुनकर नीतीश कुमार भी चौंक गए। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि छात्रों को ये राशि क्यों नहीं दी गई है। इस पर जवाब आया कि कोरोना के कारण छात्रों को ये लाभ नहीं मिल पाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। भाजपा के बड़बोले नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह को बीते दिन बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत ही केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को कोर्ट ने 7 साल पुराने मामले में दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है। दरअसल गिरिराज सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ ये मामला था। इसमें आरोपी बनाए गए गिरिराज सिंह शुक्रवार को लखीसराय ACJM प्रथम कोर्ट में पेश हुए। साल 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बढ़िया थाना में कांड संख्या 192-15 और 193-15 के तहत गिरिराज सिंह के विरुद्ध 2 मामले दर्ज किए गए थे। इसी मामले में कोर्ट ने करीब 7 साल बाद गिरिराज को दोष मुक्त कर दिया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री 1 अप्रैल को भी कोर्ट में पेश हुए थे। RCP सिंह ने हरित इस्पात को बढ़ावा देने का किया आह्वान।
बीते दिन केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने हरित इस्पात को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। इस बाबत बीते दिन ही मंत्री जी की अध्यक्षता में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में ही हरित इस्पात की तरफ से विषय पर विचार मंथन करने के लिए इस्पात मंत्रालय के लिए संसदीय सलाहकार समिति के बीच विचार विमर्श हुआ। इस दौरान आरसीपी सिंह ने हितधारकों से एक समयबद्ध कार्य योजना के अनुसार इस्पात उद्योग से उत्सर्जन को कम करने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया है, ताकि आत्मनिर्भर भारत में ग्रीन स्टील के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। 15 साल के काम का लेखा जोखा जनता से बताने की सीएम ने की अपील। प्रशांत किशोर पर कसा तंज। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की सरकार और विकास पर उंगली उठाई थी। हालांकि इस मामले को लेकर अब तक तो सीएम नीतीश ने कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 15 साल में कोई काम नहीं होने वाली बात पर तंज कसते हुए आप भी लोगों को पता है कि क्या किया गया है और क्या नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व सत्य का है। सब जानते हैं कि क्या हुआ है और कितना काम किया गया है। हम लोग किसी की बात का महत्व नहीं देते हैं, आप सब जानते ही हैं, तो आप ही लोग बता दीजिए और जवाब दे दीजिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बंबई में पहली इलेक्ट्रिक ट्राम कार का संचालन 1907 में आज ही के दिन हुआ था। अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी की आधारशिला 1973 को ईटानगर में आज ही के दिन रखी गई थी। भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी के खिलाफ ईरानी फतवे के बाद 1989 में ब्रिटेन और ईरान के बीच राजनयिक संपर्क आज ही के दिन टूटा था। गुजरात के हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने 2002 में गंभीर चिंता जताई थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञों में से एक केशव प्रसाद मौर्य का जन्म 1968 में हुआ। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का निधन 1924 में हुआ। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का निधन 2001 में आज ही के दिन हुआ था। यूपीएससी का एग्जाम कैलेंडर हुआ जारी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। यूपीएससी ने साल 2023 की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत ही यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा 2023 और आईएफएस 2023 का आयोजन 28 मई 2023 को होगा। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन 15 सितंबर से शुरू होगा, जो 5 दिनों तक जारी रहेगा। भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन 26 नवंबर से होगा। यूपीएससी ने परीक्षा के लिए 15 जनवरी, 19 फरवरी, 12 मार्च, 2 जुलाई, 20 अगस्त, 8 अक्टूबर, 17 दिसंबर को रिजर्व तारीख के रूप में रखा है। 31 मई से बंद हो रहे हैं ये 4 फीचर। जल्द ही फेसबुक के कई यूनिक और काम के फीचर बंद होने वाले हैं। दरअसल फेसबुक का नियर बाय फ्रेंड्स फीचर, जो लोगों को अन्य फेसबुक यूजर के साथ अपनी वर्तमान लोकेशन शेयर करने देता है, अब इस साल 31 मई से उपलब्ध नहीं होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने यूजर को नियर बाय फ्रेंड्स फीचर और अन्य लोकेशन बेस्ड फीचर्स के बंद होने के बारे में सूचित करना शुरू कर दिया है। नियर बाय फ्रेंड्स फंक्शनैलिटी यूजर को अपने फ्रेंड की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करने की अनुमति देती है। केआरके के तन से नहीं बच सके प्रशांत किशोर। बॉलीवुड के जाने माने क्रिटिक कमाल आर खान अक्सर अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि उनके बयान से कई लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। हालांकि अब तक केआरके के निशाने पर बॉलीवुड सेलेब्स होते थे, लेकिन अब उनके निशाने पर प्रशांत किशोर आ गए हैं, जिसके तहत ही बीते दिन कमाल आर खान ने ट्वीट कर प्रशांत किशोर को टैग करते हुए लिखा कि 3000 किलोमीटर की पदयात्रा एक नया ड्रामा है। भाई साहब, आपका कुछ नहीं हो सकता। बिहार में लालू और नीतीश जैसे धुरंधर अभी जिंदा है, आप बस अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर रहे हैं। मुंबई ने टाइटंस के खिलाफ दर्ज की रोमांचक जीत। बीते दिन मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को रोमांचक मैच में 5 रनों से मात दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 177 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में गुजरात को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे, लेकिन टीम 3 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में डेनियल सैम्स ने गजब की गेंदबाजी की, जबकि उनके सामने डेविड मिलर और राहुल तेवतिया थे, जिन्होंने ऐसे में गुजरात के लिए जिताऊ पारी खेली है। लेकिन डेनियल सैम्स के गेंदबाजी के आगे टाइटंस के बल्लेबाज पस्त हो गए।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है अरुण कुमार, बबीता यादव, गौतम कुमार, पंकज कुमार, विकास बिहारी, अरुण कुमार, अभय कुमार सिंह, संजीत मिश्रा, रंजीत कुमार, पंकज कुमार, रितेश कुमार यादव, रविंद्र पासवान। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार का कौन सा पर्यटन स्थल घूमने के लिए सबसे सटीक है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।